हे गाइस वेलकम बैक। तो दोस्तों अभी हो चुकी है रात, ये देख सकते हो भाई। तो यार मैं कब की यार ना हमारे टर्टल्स को देख रहा हूँ यार। यहाँ पे ये देखो, इनका जो वाटर है ना, हमने कल ही चेंज किया था और पूरा वाटर क्लीन होना स्टार्ट हो चुका है। एक दो दिन के बाद ये पूरा क्लीन हो जाने वाला है यार, ठीक है। ये देखो ये मस्ती कर रही है यार, ये चारों। एक कहाँ है, एक आ गया, वो देखो भाई। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। हे बड़ी, हेलो यार, तुमको मैं रात को खाना नहीं दे सकता, ठीक है ना। हे बड़ी, हेलो हेलो, कल मॉर्निंग में दूंगा। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत ही क्यूट। और ये क्या पे, ये क्या पे, रात को बिल्कुल भी नहीं सोना पसंद करते यार ये। और दोस्तों मैंने कल ना या का भी पानी ना पूरा भर दिया था, तो देखो यार ये भी पूरा क्लीन होना स्टार्ट हो चुका है। ये यार मैंने यहाँ पे ना वाटर पॉपीज वगैरह ऐड की थी, और इसके जो पत्ते ना यार, ये देखो अभी ये भी फैलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये हमारे जो गप्पीज यहाँ पे हम छोड़ने वाले हैं, तो उनके लिए प्रॉपर हाइडिंग प्लेस हो जाने वाला ये, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने कुछ प्लांट्स यहाँ से उठाकर यहाँ पे ऐड कर दिए थे, क्योंकि ज़्यादा ही फैल गए थे यार। ये देखो नीचे और साइड वाला वाटर पॉपी देख सकते हो, पूरा क्लियर दिख रहा है वाटर अंदर का। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ हमारे गप्पी फिश के रूम में, ठीक है भाई। गप्पी फिश के रूम से हमें अभी क्या करना है, ठीक है, आपको वो भी बात बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने एक व्हाइट वाली गप्पीज देखी थी, कहाँ गई, यहाँ भी व्हाइट वाली है और यहाँ पे भी व्हाइट वाली है। हाँ ये देखो यार, तो दोस्तों आप इसकी साइज देख सकते हो यार, पूरे फूली हुई है, ठीक है। ये वाली नॉर्मल है, और ये वाली देख सकते हो, ये फीमेल है, ये फुल्ली भाई बच्चे से लोडेड है। ये देख सकते हो यार, अभी ये कभी भी बच्चे दे सकती है, ठीक है। और एक ये हो गई, और कहाँ गया यार, मैंने देखा था यार इनको। हाँ ये ब्लैक वाली एक हो गई, ये देखो भाई इसकी साइज देखो, ये ब्लैक वाली हो गई। और मैंने अभी नेट में पकड़ के रखा है, एक मिनट आपको वो भी दिखा देता हूँ। एक तो खाली हो गया, और ये देखो भाई इसकी साइज देख सकते हो। ये देखो ये अगली वाली, इसके नीचे वाले जो गप्पी, इसकी साइज देख सकते हो, ठीक है। एक ये हो गई, और यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे हाँ ये वाली है, ये देखो ये वाली, ठीक है। और बाकी यहाँ पे तो नहीं है, बाकी कहीं पे नहीं है। फिर पूरे सेटअप में से मैंने चार गप्पी फिश फीमेल ऐसी ना भाई कि ये कभी भी बच्चे दे सकती है, ठीक है। और गप्पी फिश क्या करती है ना हमारी, रात को ही बेबीज दे दे रही है यार यहाँ पे, और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो भाई मैंने सोचा कि भाई आज इनको मैं रात को ही शिफ्ट कर देता हूँ बाहर, ठीक है। तो भाई मैं फीमेल्स पकड़ लेता हूँ, उनके साथ जो मेल है वो भी पकड़ कर मैं बाहर शिफ्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हो गई हमारी मोज़ेक गप्पी, तो आप इसकी साइज भी सकते हो, पूरी फूली हुई यार। चलो अभी मैं इसको बाहर छोड़ देता हूँ। तो हमारी जो मोज़ेक गप्पी सबसे पहले वाले पॉन्ड में मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। तो जाओ भाई, ये लो जी। यहाँ पे ना दोस्तों मैंने सारे फिश रिमूव कर लिए एक दो दिन पहले, आपको पता था यार, कल ही मैंने यहाँ से सारे फिश मैं रिमूव कर ली। यहाँ पे कोई फिश नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमारे एक गप्पीज का पेयर रहने वाला है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, हमारे जो अल्बिनो गप्पी ना, उसका भी एक मेल और एक फीमेल में पकड़ लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारी अल्बिनो गप्पी, और इसकी साइज देखो यार कितनी, वाही साहब ये कभी भी बच्चे दे सकती है यार। तो चलो मैं अभी इसको जल्दी जल्दी बाहर छोड़ देता हूँ। तो ये रहने वाली है ये वाले हमारे सेकंड वाले पॉन्ड में। तो चल भाई जाओ 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 जाओ, ये सिर्फ सक्सेस हो जाना चाहिए यार यहाँ पे। ओके, तो ये रहे दोस्तों हमारे डम्बो ईयर गप्पी फिश की फीमेल, ये भी देख सकते हैं इसकी, ये भी बहुत ज़्यादा फुली हुई है। तो चलो भाई इसको मैं बाहर छोड़ देता हूँ। तो ये रहने वाली है हमारे थर्ड वाले पॉन्ड में, ओके यहाँ पे। जाओ भाई, ओके, तो मैंने यहाँ पे डम्बो छोड़ दी, और अभी वन और टू ये दो बाकी है। तो दोस्तों मैंने क्या किया था, हमारे टक्सिडो गप्पी और अल्बिनो गप्पी की एक फीमेल मेरे पास एक्स्ट्रा थी, ठीक है, और जो टक्सिडो गप्पी के जो मेल थे वो तो हमारे पास बहुत थे। तो मैंने क्या किया यार, अल्बिनो गप्पी और टक्सिडो गप्पी यहाँ पे छोड़ दिए भाई, ठीक है। मुझे देखना था भाई इनका क्या रिजल्ट आता है, अल्बिनो और टक्सिडो का, ठीक है, मतलब इनकी क्रॉस ब्रीड क्या निकलती है ये मुझे देखना है। तो इसी की वजह से मैंने यहाँ पे रखे थे। और ये भी देख सकते हो, इसकी साइज भी देख सकते हो, ये भी कभी भी बच्चे दे सकते है। तो भी ये गप्पी और ये गप्पी मैं बाहर छोड़ देता हूँ, ये वाली भी। तो यहाँ पे रहेगी हमारी टक्सिडो और येल्लो गप्पी की फीमेल, ओके ये हो गई टक्सिडो और येल्लो गप्पी की फीमेल। और ये वाला जो है ना भाई, अभी आपको बताता हूँ। और है ना दोस्तों, अभी हमारे जो मोज़ेक गप्पी ना, ये दोनों फीमेल है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब
जल्दी बेबीज देंगे। तो ये पूरी मैं फैमिली उठा लेता हूँ यहाँ से, एक मिनट, यहाँ पे कितने, 3 male and 2 female है, तो मैं पांचों के पांचों यहाँ से उठा लेता हूँ और वहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो मैंने जो मोज़ेक गप्पी यहाँ से निकाली, तो आप इनकी क्वालिटी देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखो यार, इनका कलर, इनकी टेल, इनका पैटर्न और इनकी साइज, भाई बहुत ही खूबसूरत है यार ये। और इनके जो बेबीज हैं ना, ये और ज़्यादा खूबसूरत आएंगे। तो चलो यार, ये मैं पहले 2 छोड़ देता हूँ, फिर हम फीमेल छोड़ेंगे। तो जाओ भाई, भाई इनका कलर इतना खूबसूरत है ना, वाओ यार। ये गए भाई दोनों मेल। तो ये देखो दोस्तों, ये है दोनों फीमेल, और आप इनकी भी खूबसूरती देख सकते हो, इनकी टेल देखो यार कितनी बड़ी है। तो चलो भाई, इनको भी जल्दी जल्दी छोड़ देते हैं। ये भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी दोनों फीमेल, ये दोनों फीमेल हो गई और ये दोनों मेल हो गए। ये देखो भाई, यहाँ पे बहुत अच्छे से रहने वाले हैं और बहुत जल्द ये बेबीज भी दे देंगे। क्या पता भाई, हमें कल ही खुशखबरी मिल जाए कि भाई यहाँ पे बेबीज दे दिए, ठीक है। तो चलो भाई, तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको मिलता हूँ कल मॉर्निंग में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे फाइटर फिश के ब्रीडिंग को कम्प्लीट 1 हफ्ता हो चुका है, और 1 हफ्ते से हमारे जो फीमेल्स है यार, मैंने यहीं पे रखी है, ओके। और अभी हम क्या करने वाले हैं, ये सारी फीमेल मैं यहाँ से पकड़कर ऊपर उनके पॉन्ड में छोड़ देता हूँ। जो फीमेल है ना दोस्तों, ये हम नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट मंथ में भी हो सकता है, या भाई जो बेबीज कब तक, मतलब जो मेल है कब तक बेबी संभालता है, तब तक हम सेकेंड टाइम जो ब्रीड करने वाले वो नहीं करेंगे, ठीक है। तब तक हमारी फीमेल रहने वाली है फिश बेबी पॉन्ड में, ठीक है। तो चलो इनको अभी जल्दी जल्दी ध्रुव मैं क्या बोलता हूँ, सारे फीमेल अपन पकड़ लेते हैं, ओके। इसी नेट से अभी हम पकड़ेंगे, वही पानी यूज कर, फिर अपन कर देंगे। और ये सारे ना लाइव प्लांट भी निकल ले वाले, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, ये जो लाइव प्लांट्स है ना, हाँ, ये प्लांट्स हम चिकलेट के इसमें डाल देते हैं, इसमें हाँ चलेगा ना यार, यहाँ पे धूप भी आती है तो यहाँ पे अच्छे ग्रो भी होंगे, अच्छे ग्रो भी होंगे, ठीक है। कर दिया यहाँ पे डायरेक्ट ऐड, फिर देखा मुझे, और इसे ना क्या बोलते हैं, फॉक्सटेल प्लांट बोलते हैं। मुझे बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आए थे कि ये जो प्लांट है ना फॉक्सटेल प्लांट है, और गप्पी ग्रास भी यार, ठीक है, गप्पी ग्रास भी आपको मैं दिखा देता हूँ फिश रूम में हमारी। तो यार यहाँ से हमने सारी फीमेल्स रिमूव कर दी, तो ये देख सकते हो सारी फीमेल अभी भी अंडों से लोड है। तो बहुत जल्द हम इनको भी ब्रीडिंग को लगवा देंगे नेक्स्ट टाइम, तो अभी इनको पूरा रेस्ट मिलेगा 1-2 महीने के लिए। चलो खोल देना है, पता नहीं दोस्तों हमारा मूड चेंज हुआ था, हम पेट शॉप जाकर अच्छे क्वालिटी के मेल भी ला सकते हैं, बट अभी तो फिलहाल के लिए इनको रेस्ट देते हैं। यार हमारे यहाँ पे ना कभी भी बारिश आ रही है, कभी भी धूप आ रही है, पता नहीं ऐसा क्यों क्लाइमेट है। देखो भाई अभी जस्ट ना बारिश रुकी है, पूरा पानी पानी है, देखो भाई पूरा पानी छत पे। तो ये सारी फीमेल रहने वाली है ये हमारे बेबी फिश पॉन्ड में। तो चलो भाई, यहाँ पे ऑलरेडी ऑल फीमेल है ध्रुव, हमने पूरे उठाए नहीं थे, और फीमेल्स है यहाँ पे। तो ये पहली गई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके। चलो इनका भी अभी फीडिंग का टाइम हो रहा है। तो यार क्लाइमेट देख सकते हो, पूरे आसमान में बादल है, कभी भी बारिश आ रही है, कभी बारिश जा रही है। और दोस्तों यहाँ पे हमने साइड वाले टेरेस पे हमारे स्नो और ब्लैकी और ग्रीन पिक्स के लिए कुछ घास लगाई थी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये तो पूरी सूख चुकी है, क्योंकि 1-2 दिन पहले तो कोई बारिश नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी, तो पूरी घास हमारी अभी सूख गई है। तो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ हमने इस घास का तो अच्छे से यूज कर लिया है। हाँ भाई पूरा यूज किया हमने, हाँ, क्योंकि हमने ना हर रोज यहाँ से ना घास तोड़ तोड़ कर हमारे स्नो और ब्लैकी को लेके जाते थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम ना कुछ अलग तरीके के, मतलब डिफरेंट प्लांट्स लगाएंगे ऐसे। मैं तो कोई बोल रहा हूँ ना यार, ऐसे कुछ बेले वगैरह लगाएंगे, मतलब पूरे ऐसे छत को कवर करेगी वो। मैं भी वही बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको पता ही होगा हमारे सेटअप में बहुत सारे न्यू गप्पी फिश के बेबीज आए हैं। ये देखो भाई, अभी आज मैं इनको है ना यहाँ पे, ये सारे स्नेक गप्पीज के बेबीज है, आपको पता ही होगा, तो मैं आज इनको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे स्नेक गप्पीज के बेबीज है, पहले वाले लास्ट मंथ के। ये देखो, ये लास्ट वाले मंथ में हमारे स्नेक गप्पी ने बेबीज दिए थे, तो ये देखो कितने बड़े हो गए ना, ये इनके साथ रहेंगे ये, क्योंकि 1 महीने के हो गए ना ध्रुव, ये फिर अभी ये 1 महीने से इनसे छोटे रहेंगे, बट ये दोनों साथ में बड़े होंगे, ओके। तो पहले अपन ध्रुव क्या करते, इनको खाना दे देते यार, डाफनिया देते, फ्रोजन डाफनिया इनको भी दे देते, और हमारे जो गुरामी फिश है उनको भी दे देते, गुरामी फिश के बेबीज को भी दे देते, और बाइटर फिश के बेबीज को भी ड्राइड, और कौन सा डाफनिया, फ्रोजन डाफनिया। ये क्या देख रहा हूँ यार, और यहाँ पे बच्चे, ओए ये देखो यार और बेबीज यार यहाँ पे, तो मैंने तो पूरे कैच किए थे यार, शायद से ना और दिए यार इन्होंने, ये हमारे सिर्फ 2 ही फीमेल है भाई स्नेक गप्पीज की, बट इन्होंने ना 200 के आसपास बेबीज दिए है भाई। ये देखो यार छोटे छोटे ही दिख रहे होंगे,
मैं हार डाल के दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो यार, भाग रहे यार ये। ये देखो वाला नहीं, फिर डाफनी अपने पास वो फ्रोजन डाफनिया फ्रिज में रखा है वो वाला। हाँ मैं लेके आता हूँ, रुकिए रख दे। तो ये है दोस्तों फ्रोजन डाफनिया। अभी इसको हम क्या करते हैं, अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी में निकाल लेते हैं, फिर हम हमारे बेबी फिशेस को देने वाले हैं। तो ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, तो चलो यार मैं अभी इनको थोड़ा थोड़ा दे देता हूँ। ये देखो भाई, अभी अच्छे से इंजॉय करेंगे डाफनिया को। अभी जैसे ये डाफनिया खाना स्टार्ट कर दिए ना, मैं अभी ये सारे बेबी फिश यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मतलब ये बेबीज पे अटैक नहीं करने वाले, तो जाओ। होय होय होय, कितने सारे बेबीज है भाई ये, और भी यार यहाँ पे मैंने कैच नहीं किए वो। चलो इनको छोड़ देता हूँ पहले, बाद में कैच करेंगे उनको। ओ भाई ये गए दोस्तों हमारे सारे बेबी फिश। ओके चलो, इनको भी मैंने दे दिया डाफनिया, ये भी अच्छे से एंजॉय करेंगे। इनको भी दे दिया और ये वाले बेबीज को भी दे देता हूँ डाफनिया। ये लो जी, ये भी आ गए सारे यहाँ पे। हमारे सारे गप्पीज के बेबी मिक्स है, मॉली के बेबी मिक्स है, यार हमारे जितने भी फिश रूम के बेबी मिक्स है, प्लेटी के भी मिक्स है। तो चलो यार यहाँ पे देते हैं अभी। आजा 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 आजा, ये तो हमारे गोल्डन मॉली, यहाँ पे हमारे डम्बू एयर का एक पेयर है, बाकी आपको पता ही है नॉर्मल मॉलीज है। और इधर हमारे टक्सीडोट्स, आ जाओ भाई तुम भी। यार बहुत सारे भाई कहते हैं कि यार ये हमारे क्रॉस ब्रिड के टक्सीडो, भाई क्रॉस ब्रिड नहीं यार इनको, भाई ये छोटे बच्चे यार, अभी तक बड़े नहीं हुए। जब बड़े होंगे ना तब इनका टेल का कलर वगैरह प्रॉपर आने वाला है, अभी छोटे यार, बहुत छोटे यार ये, 2 महीने के भी नहीं हुए कम्प्लीट। इनको मैंने दे दिया इनका फिश फूड। अच्छा ओके, तो अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब हमारे जो फाइटर फिश के बेबीज है उनको दे रहा हूँ डाफनिया, और हमारे जो साइड वाले टेरेस के जो बुरानी के बेबीज है उनको तो मैंने दे दिया है। ठीक है, यहाँ से एकदम परफेक्ट दिखता है। तो चलो भाई यह काम बहुत ही ज्यादा संभाल के हमें करना है। सबसे पहले ना दोस्तों फाइटर फिश के बेबीज को देते हैं। कहाँ गए यार ये, देखो पूरे टैंक में अभी फैल गए हैं। इनको हल्के से डालना है भाई। ओके तो ये मैंने डाल दिया इनको डाफनिया। ध्रुव हो जाएगा ना इतने में, और डालू नहीं नहीं बस। ओके ओके, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे छोड़ो, कम बेबी है ना, यहाँ पे कम है। ओके इतना काफ़ी हो गया ना। ओके इनको भी मैंने ऐड कर दिया, ये देखो भी अभी खा लेंगे। और दोस्तों अभी सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब हमारे जो गुरामे के बेबीज हैं उनको भी दे देता हूँ डाफनिया। चलो आ जाओ भाई, ये लो जी। ध्रुव तुझे लग नहीं रहा है थोड़े थोड़े बड़े होने लगे थे इनको, थोड़ा कलर आने लगा प्रॉपर, मतलब आपको दिखने लगे उनके डैड। ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है भाई, मैं पानी में जैसे हाथ डालूंगा ना मेरे पे अटैक कर देंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है गुरा में आ रही है। ओके इतना काफ़ी हो जाएगा ध्रुव इनके लिए। ओके उस साइड थोड़ा डाल दे, इधर इधर डाल लेता हूँ। ओके हो जाएगा इतने में, बाकी वाला जो बच्चा है तो मैं हमारे बेबी पोलर्स को दे देता हूँ। ये देखो ये सारे इकट्ठा हो जाएगा एक जगह पे। ये लो जी मैंने इनको भी दे दिया, ये देखो ये समझ नहीं पा रहे होंगे ये क्या है, खा तो रहे हैं ये। तो अभी ये जितना भी बचा हुआ है ना, थ्रू ऑक्सीजन बंद करना। ओके अभी दोस्तों ये जितना भी बचा हुआ है ना मैं सारे हमारे गप्पीज को दे देता हूँ। सबसे पहले टक्सीडो को देता हूँ यार, यार रात को थ्रू मैंने यहाँ से ना सारी फीमेल्स उठा ली थी। क्यों भाई? क्योंकि ना वो बच्चे दे रही भाई, तुझे एक पता है क्या, यहाँ पे हमने जो सेटअप किया है ना, यहाँ पे अब तक अपने एक भी बेबी कैच नहीं किया। ठीक है ना, थोड़े बहुत ही कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद के बेबी खुद खा जा रही है यार। तो इसी की वजह से मैंने प्लानिंग किया कि भाई यहाँ से जो फीमेल बेबी बच्चे देंगे तो हम वो साइड में निकाल लेंगे पहले। ठीक है, हाँ इनको भी दे दिया। चलो दोस्तों मैंने यहाँ से सारे गप्पीज को मैंने डफनिया दे दिया। चलो यार दोस्तों इसी के साथ दोस्तों मैं आज का वीडियो एंड कर दूँ, और आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलती है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।